हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आरकेजेड ट्रेड ग्रुप। आरकेस आपके लिए लगातार एक्टिव संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। थंबनेल पर आपने टॉपिक देख ही लिया है। टॉपिक हमारा है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। दिल्ली के अंदर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि आपको एक्टिंग कोर्स कराते हैं। उसका एक क्रिएटिव एक्सलेंस करके SCCE के नाम से ये जो है आपको एक्टिंग कोर्स करवाएगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखिए, अंत तक इस वीडियो में देखिएगा, यह आपके बहुत काम का है। दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहां से भी आप एक्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन है वो BA से ऊपर होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट में की हो आपने। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ना BA भी कराता है, BSc भी कराता है, मास्टर डिग्री भी कराते हैं और PhD भी कराते हैं। तो यहाँ पर कई सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी के तहत करवाए जाते हैं जो अन्य संस्थानों के मुकाबले कम पैसे में है। इसके फीस जो है मैं वो आपको आगे बताने वाला हूँ इसमें कोर्स के बारे में। यहाँ पर ये जो संस्थान है, ये यूनिवर्सिटी है, दो कोर्स करवाती है, एक MA फिल्म स्टडीज़ और दूसरा है PhD फिल्म स्टडीज़। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपके साथ बात कर रहा हूँ MA फिल्म स्टडीज़ के बारे में। यानी कि अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 18 सीटें हैं, ड्यूरेशन 2 साल, MA जो 2 साल की होती है। और एप्लीकेंट नीड टू ब्रोशर, या मतलब ये है कि 45 मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांग ली जाती है। और इसके अलावा जो दोस्तों ये है कि ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह का है, प्रोग्राम आउटकम किस तरह का है, कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस के यहाँ पे बता रखे हैं जो जहन में आते हैं सवाल, कोर्सेस क्या है और कोर्स वर्क क्या है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें दूसरा जो है ये है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इन्होंने किस तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किया है, ये 4 सेमेस्टर वाइज में डिवाइडेड है। और जो MA फिल्म स्टडीज़ के बारे में आपको यहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटी कोर्स कराएगी उसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर रखा है, जहाँ पर आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो दोस्तों ये है प्रोग्राम आउटकम, है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। और मेनली जो है आपका फोकस जो है वो किस तरह का यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होता है उसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो इनका जो कोर्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो कोर्स का कोड कह सकते हैं या कोर्स नेम कह सकते हैं, क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब आपको इसके या तो आप वेबसाइट पे आके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैं बाकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा वहाँ पर वेबसाइट का इसका यूनिवर्सिटी का एड्रेस और आपके साथ वेबसाइट दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप इसके बारे में अपना कॉल करके या फिर मेल के ज़रिए, या फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। बहुत आपके पास तरीके हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी संस्थान होता है कहीं भी जहाँ पे भी एक्टिंग कोर्स करवाया जाता है, सिर्फ एडमिशन की डेट्स बदल जाती हैं और कई बार कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन अमूमन जो है प्रोसेस का या क्राइटेरिया का या एलिजिबिलिटी का, फीस का और जो भी वो करवाते हैं कोर्स से रिलेटेड चीज़ें वो सेम ही रहती हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात करता हूँ ये 2 साल का है, मतलब मास्टर डिग्री हो गई आपके पास, आपने फिल्म पे स्टडी की है, ठीक है। तो इसमें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा पुराना ब्रोशर है, लेकिन इसमें बताया गया है कि यहाँ सीट 14 है और एलिजिबिलिटी वही है कि आपके पास किसी भी डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी हो, कोई से भी आप स्ट्रीम से पास आउट हो। और लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इनका साफ तौर पर है कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो भी स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा वो आपको देना ही होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो फीस है वो बहुत
35-36 हज़ार में आपका काम बन जाएगा, मतलब 20 हज़ार पे यहाँ पे 20-20 करके यहाँ पे 1 20 हज़ार देने पड़ते हैं, फिर 5 हज़ार पे, फिर 5 हज़ार पे 500 रुपये जो भी इनकी फ़ीस रहती है। और जो इनका जो एप्लीकेट फॉर्म है वो भी नॉर्मल चार्जेस है, और जो कोटे कहते हैं SC ST OBC के छात्र होते हैं उनके लिए और भी कम, यानी कि 150 रुपये हैं। तो और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको जो है जो भी इनका ब्रोशर लेटेस्ट आएगा वो मैं आपको जानकारी दे दूँगा, या फिर आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत जो मैं लिंक दूँगा आपको, आप उसे सेव कर लीजिए अपने पास ताकि आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है कि स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो भी इसका इसके थ्रू करवाया जाता है कोर्स, उसके बारे में बता रखा है। MA फिल्म स्टडी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स क्या है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने ये पूरा डिक्लेयर कर रखा है चीज़ों के बारे में, किस तरह से आपको ये लोग पढ़ाएंगे, या फिर एडमिशन लेने से पहले क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें ये आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से यहाँ पर एडमिशन ले सकें। और बाकायदा मेरी भी कोशिश रहती है कि आपको लगातार टाइम टू टाइम जानकारी देता रहूँ, क्योंकि थोड़ा सा एडमिशन के प्रोसेस के बारे में आपको पता रहे, सस्ते संस्थान के बारे में पता रहे, तो आप आसानी से उसकी पहले से तैयारी करके रखेंगे, तो आपके लिए उसे कंडक्ट करना, क्रैक करना आसान होगा। यहाँ पर दूसरा जो है वो है PhD फिल्म स्टडी। दोस्तों इसके बारे में अभी तक यहाँ पे कोई ऐसे डिक्लेरेशन या कोई ऐसा कोई यहाँ पे मैंने क्लिक करके भी देखा, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इसमें लिखा है कि 10 सीटें हैं, ड्यूरेशन है ना उस पर भी कुछ नहीं है ऐसा कुछ, है ना, और एलिजिबिलिटी के बारे में नील है, इस तो इसमें कुछ नहीं बताया गया, मैं 10 सीटें हैं इसकी PhD के लिए, तो स्पेशल होता है ये, आप किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड ये स्टडी करते हैं हम, तो दोस्तों ये बहुत कंफर्टेबल जोन रहेगा अगर आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री पे या फिल्म्स की चीज़ों पे आप मास्टर डिग्री करते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये इनका जो भी रीजनल ऑफिस है और इनका सेंट्रल ऑफिस है, कैंपस कैंपस जो है कश्मीरी गेट पर है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, और नहीं तो आप जो है कहीं दूर भी रहते हैं तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और मैंने बाकायदा एड्रेस फुल आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं आपको एड्रेस के बारे में, फ़ोन नंबर, फैक्स, Gmail ID, ये तमाम जानकारियाँ मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से आप इसके बारे में जानकारी ले सकें घर बैठे, और ताकि आपको एडमिशन मिलने में भी आसानी रहे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए जो भी जानकारी हमारे चैनल पर आपके लिए आती रहती है, चाहे मोनोलॉग्स हो, स्क्रिप्ट हो, ऑडिशन हो, एक्टिंग टिप्स हो, एक्टिंग एक्सरसाइज हो, गेम्स हो, एक्टिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको अगर इसी तरह के नए नए वीडियोस और देखने हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन से क्लिक करेंगे तो अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और अगर किसी और अन्य वीडियो पे आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसका एक नया वीडियो लेकर आए।